रीवा जिले में लूट, चोरी, हत्या, गोली चलने की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। बदमाश जहां आम व्यक्ति को सरेराह गोली मार देते हैं, वहीं चोरी की वारदात को अंजाम देकर चंपत हो जाते हैं। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जीडीसी परिसर का है, जहां शासकीय आवास में रहने वाले लोगों ने पुलिस से शिकायत कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। विगत दिनों शासकीय आवास में खड़ी चार गाड़ियों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया, वहीं बाइकों की बैटरी चोरी हो गई। लगातार क्षेत्र में चोरी की हो रही घटनाओं से शासकीय आवास में रहने वाले प्रोफेसर भयभीत हैं, जिनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम करने की मांग की गई है। मुझे भेज दीजिएगा, अगर वीडियो बनाए तो भेज दीजिएगा। आइए देखिए, एक मिनट एक मिनट। आइए बाकी जो ज़्यादा। अरे अब भेजाइए, मैं सर थोड़ा नहा लूँ, थोड़ा सामान दिख रहा हूँ। अल्लाह किसका ख़राब कर दिया इस गाड़ी का। आइए मैं, जो घर में इन्होंने ताला तोड़ के किया है। मिस कॉल नहीं किए थे क्या आप? अच्छा नहीं, आया हुए हैं। हटो बेटा, तुम हटो अंकल को। उधर और यहाँ देख, वीडियो में इस हिसाब से ये सेंटर में है, ये कलेक्टर के देखरेख में है ये हॉस्टल। अच्छा, हाँ कलेक्टर इसका मालिक है इस हॉस्टल, कुछ भी हो सारी लाइबिलिटी उसकी है। कारें दिखा रहे हैं आज, उन्होंने पूरा ग्रुप बना के 2-3 घंटे काम किया। नहीं, पूरी पूरा गाड़ी खराब किया। अच्छा, हाँ सामान फैलाए, आ जाइए। क्या नाम? डॉक्टर शंकर लाल यादव। कौन सी जगह है, क्या घटना हुई है? कन्या महाविद्यालय रीवा आवासीय परिसर है। यहाँ कल रात में के गेट के लॉक तोड़ दिए गए, कार चोरी करने का प्रयास किया गया, एक बुलेट की बैटरी निकाल लिए, पेट्रोल निकाल लिए। बगल SC ST छात्रावास के अंदर जो गार्ड रहती है, गार्ड के कमरे का ताला तोड़ा गया, दो ताले तोड़ करके कुछ इधर उधर सामान बिथराए और उसके बाद उसकी बाउंड्री से पपीते के पेड़ से क्रॉस करते हुए नगर निगम तरफ निकल गए। गर्ल्स हॉस्टल में भी घुसे हैं? गर्ल्स हॉस्टल ही, गर्ल्स वो कन्या गर्ल्स हॉस्टल ही है, SC ST है। हाँ, SC ST का गर्ल्स हॉस्टल है वो। एक दिन पहले भी चोरी हुई थी? हाँ, बगल में, ये बगल की बाउंड्री में कल वारदात, परसों की रात में वारदात हुई थी, जिसका अभी कुछ तक पता नहीं चल पाया। आज जो है, आज यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई, ये सिर्फ फिरे 4-5 के गिरोह में लगता है, किसी बड़ी वारदात के फिराक में थे। सामान कुछ नहीं ले गए हैं, बैटरी के अलावा, बुलेट की बैटरी के अलावा, कार और चुराने के प्रयास में, या तो कहीं किसी बुरी इरादे से वो चोरी, या फिर कुछ महिला हॉस्टल है तो यहाँ कुछ लड़कियों वगैरह के साथ गलत करने के प्रयास से यहाँ घुसे हुए। अब उन्होंने शिकायत करी है? हम लोगों ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की है, लिखित शिकायत करी है, वहाँ अभी प्राथमिकी नहीं दर्ज किए हैं, लेकिन UKG जो थाना सहायक थाना प्रभारी आए भी थे, देख के गए हैं। अब देखिए क्या होता है, क्या कैसा है। हमारे कॉलेज के प्राचार्य भी लिख के आवेदन दे रही हैं। असुरक्षित मानते हैं आप लोग? पूरी तरीके से यहाँ का असुरक्षित माहौल है, यहाँ कैमरे नहीं लगे हुए हैं एक भी,
महाविद्यालय प्रशासन के तरफ से, न एससी हॉस्टल के तरफ से। एक भी कैमरे नहीं हैं, एक भी गार्ड रात में गेट पे नहीं तैनात रहते हैं। बाउंड्री खुली है तरफ से। चारों तरफ से पूरी बाउंड्री खुली हुई है, किसी भी तरफ से कोई घुस आता है। आए दिन इस तरह की अप्रिय वारदात होती रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शंकर लाल यादव है। मेरा नाम है अनुराग ठाकुर, मैं GDC कॉलेज में कार्यरत हूँ और मैं इसी महाविद्यालय परिसर पे निवास रहता हूँ। मेरे यहाँ पर शासकीय मकान है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि कल देर रात दिनांक 26 को यहाँ पर हमारे घर पे चोरी हुई है। देर रात पे कुछ चोरों ने घुस के हमारे किचन के जाली काट के कोशिश की अंदर घुसने की, करने की, और साथ ही हमारी बुलेट खड़ी थी घर के बाहर, उसकी बैटरी निकाल ले गए, पेट्रोल निकाल ले गए, पूरे पार्ट्स निकाल ले गए हैं, और बगल पे हमारे कार खड़ी थी, उसके प्रयास किए कि लॉक तोड़ के कि इसके कार चोरी कर लें या बैटरी चोरी कर लें। इसी प्रकार पे हमारे यहाँ पर 6 मकान हैं, सभी पे सेम ऐसे किए हैं। 4 गाड़ियों पे चोरी किया गया है, लॉक तोड़े किए गए हैं। एससी हॉस्टल इसी क्रम पे यहाँ पर बगल में बना हुआ है ST/ST का हॉस्टल, वहाँ के रूम के अंदर घुस के लॉक तोड़ के पेटी सामान कुछ चोरी कर गया, अभी जानकारी हुई है। इस संबंध में हम लोगों ने सिविल लाइन थाने में आवेदन दिया है। और परसों रात देर रात को भी अभी हमारी ही बगल पे ही चोरी हुई थी और आज कल रात को फिर से हो गया। ऑटो पार्ट्स की दुकान किसके अंडर में आता है सारा विभाग? ये विभाग आता है उच्च शिक्षा, ST/ST हॉस्टल जो है कलेक्टर के अंडर में आता है, और ये हमारा ये उच्च शिक्षा में आता है। किसको आपने ज्ञापन दे दिया? अभी हमने सिविल लाइन थाने में दिया है, ज्ञापन दिया अपने है, प्राचार से बता प्राचार को दे दिए, सूचना दे दिए हैं जितने संबंधित था। और ये वर्षों रात को इतनी बड़ी घटना हुई और कल रात को फिर से हो गई। साइन कराओ, दो बावलक के बुल कराए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग ठाकुर है।